नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी। त्योथर रीवा जिले की त्योथर नगर परिषद त्योथर के अंतर्गत 1 से लेकर 15 वार्डों में 21 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिसमें एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति की गई है, जिसमें प्री प्राथमिक शाला भी कहा जाता है, जिसमें अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्रों के पास तो खुद का अपना भवन भी नहीं है, जो किराए के कमरों में संचालित हो रहे हैं अथवा किसी सरकारी भवनों में जो केवल कागजों तक सिमट कर रह गए हैं। कागज पर खुलते हैं और कागज पर ही सही सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो मामला प्रकाश में आया है कि अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्र सदैव बंद ही रहते हैं और आंगनवाड़ी केंद्र में पदस्थ कार्यकर्ता मुख्यालय से बाहर रहकर कार्य करती है। केवल सहायिका ही केंद्रों पर कहीं कहीं मिल जाएगी। जिन जिन आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों का पंजीकरण भी हुआ है, उनमें अधिकतर बच्चों के नाम दूसरी जगह भी दर्ज मिलेंगे। और तो और केंद्र खुल भी नहीं रहे हैं, बच्चे मौजूद ही नहीं रहते हैं। फिर भी प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्रों में समूहों के द्वारा साझा चूल्हा के द्वारा मध्याह्न भोजन वितरित किया जा रहा है, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई समूह के द्वारा 6 आंगनवाड़ी केंद्र, शहीद भगत सिंह समूह को 10 आंगनवाड़ी केंद्र एवं स्वेच्छा समूह को 5 आंगनवाड़ी केंद्रों में समूहों के द्वारा भोजन वितरित किया जा रहा है। बाल विकास परियोजना त्योथर एवं समूह सचाल को नगर परिषद की मिली भगत से साझा चूल्हा द्वारा मध्याह्न भोजन में खुलेआम मध्याह्न भोजन के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग एवं बंदबाट किया जा रहा है। ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों एवं समूहों की जांच आवश्यक है, जिसकी जांच होनी चाहिए, जिसका खुलासा तो जांच उपरांत ही संभव है, किंतु देखने वाली बात होगी कि जांच होगी भी या इसी तरह चलता रहेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। प्री प्राथमिक शाला एवं शासकीय प्राथमिक शालाओं में या अलग अलग केंद्रों में दर्ज किए गए बच्चों का नाम संयुक्त टीम का गठन कर जांच हो जाए तो पूरा मामला और फर्जीवाड़ा अपने आप सामने आई जाएगा। भ्रष्टाचार की पोल खुलती नजर आएगी। आंगनवाड़ी केंद्र केवल कागजों तक सिमट कर रह गए हैं। शासन की सभी महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजनाएं कागजों तक सिमट कर रह गई है। विभाग भी मूकदर्शक बना हुआ है। आखिरकार ऐसे समूह संचालकों को किसका संरक्षण प्राप्त है, जो मनमानी तरीके से कार्य कर रहे हैं, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांच उपरांत ही संभव है। एक कहावत चरितार्थ हो रही है, सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। आपकी खबर हमारी नजर, हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला की स्पेशल रिपोर्ट।